रात के 4 बज रहे हो, हम आपको आज दिखाएंगे लेक चौहल वगैरह का टूर, कैसे दिखते हैं हमारे क्लासेस अंदर से। तो चलते हैं और जो भी बीच में पड़ेगा उसका भी थोड़ा सा छोटा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे, बाकी टाइम मिलेगा तो सबका डीपली भी करेंगे कवर। और बाकी ये रीडिंग हॉल है ऊपर सबसे पहले, और ये वहाँ सामने सेंट्रल लाइब्रेरी है जो कि रात में बंद होती है, 11 PM तक खुली रहती है। और यहाँ से मतलब मोस्टली वहाँ से मतलब स्टार्ट होता है इन्फिनिटी कॉरिडोर, और यहाँ से चलता जाता है पूरे एकेडमिक में जो भी बिल्डिंग्स पड़ती हैं, जो भी डिपार्टमेंट्स की बिल्डिंग्स वगैरह हैं। 3 हाथ बने हुए हैं जो कि कुछ तो कैप्चर किए हैं अपने हाथों में, पता नहीं एक ऐसा ही बनाया गया है, इसको पूरा नहीं किया गया है, बाकी मैं 2 साल से ऐसे ही देख रहा हूँ इसको, शायद पूरा ही है, मतलब यही इनकी आर्ट थी। और वहाँ भी उल्टे 3 हाथ लटके हुए हैं जो छोटे हैं थोड़ा। चीज़ें जो इन्फिनिटी कॉरिडोर में एंटर करने से पहले अपने को दिमाग में रख लेनी चाहिए वो होता है कि हम कुत्ते वगैरह को बिल्डिंग्स के अंदर खिला नहीं सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है फिर कुत्ते बार बार बिल्डिंग्स में जाने लगते हैं। और इधर साइकिल राइडिंग, मतलब इस पर अपन साइकिल नहीं चला सकते हैं इन्फिनिटी कॉरिडोर पर, तो इधर साइकिल चलाना मना है। एंड ये वही बताया मैंने, लाइब्रेरी है बस वही, मतलब लग रही है थोड़ा छोटी सी आगे से, काफ़ी बड़ी है अंदर से। और अभी थोड़ा पीछे मतलब पीछे रीडिंग हॉल है, रीडिंग हॉल शायद मेरे हिसाब से सत्यम खुला होगा नहीं? हाँ रीडिंग हॉल खुला रहता है, 24 घंटे खुले रहते हैं। ये देख सकते हो बुद्ध भगवान का है शायद। और इधर साइकिल पार्किंग के लिए एरिया, अभी रात में नहीं दिखती, दिन में तो रखने के लिए साइकिल की जगह जगह भी नहीं मिलती है ब्रो, साइकिल पार्किंग ब्रो। हाँ ये लिखा भी हुआ है साइकिल पार्किंग। और कुछ चमकते हुए सितारे, कैसे हो रहा है? मैकेनिकल डिपार्टमेंट मतलब पीछे साइड है इसलिए थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, और मैकेनिकल वालों ने कुछ बना रही है। मैं अपना LTPC ऐसे नाम है इसका, एंड ये यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हर जगह IIT बॉम्बे में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। एक मिनट। और ये मेन बिल्डिंग है, और हाँ ये है भाई सिविल डिपार्टमेंट, जस्ट मेन इन फ्रंट ऑफ मेन बिल्डिंग, और इसी के जस्ट ऊपर जो वो दिख रहे हैं ना टेरेस, उसी पे वो एक्सपेल कैफे जिसकी अभी ये बात कर रहा था थोड़ी देर पहले। अच्छा लोकेशन है भाई। हाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पेड़ वगैरह लगे पड़े हैं यार। अच्छा लोकेशन तो अच्छा है, बट डिपार्टमेंट अंदर से बिल्कुल बेकार है। देख सकते हो डिपार्टमेंट भी अच्छा है, अरे इसको वो किया गया है, रिनोवेट किया गया है इसलिए। ये अपना एक कैफे भी IIT में, कैफे तो मतलब 3-4 हैं, लेकिन ये कैफे 92 है जो कि लेक्चर हॉल के काफ़ी पास में ही है, तो इसमें पैसे लगते हैं गाइस। हाँ भाई इसमें पैसे लगते हैं, मतलब हर चीज़ तो फ्री नहीं हो सकती ना कहीं। हमारे डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक कैफे है। हाँ एक सिविल कैफे भी है सिविल डिपार्टमेंट के ऊपर, काम करके वो लोग थक हाँ, जाते हैं काफ़ी ऊपर है वो, इसलिए लोग थक जाते हैं इसलिए जाते नहीं। अच्छा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए जाते हैं। अच्छा नाइस। पत्थर बालू वगैरह उठाते। और एक ऑडिटोरियम है LTPC ऐसे, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, आप देख सकते हो IIT बॉम्बे वालों का भेदभाव, CS के लिए इतनी अच्छी बिल्डिंग और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की सिविल डिपार्टमेंट का है भाई। सिविल से क्या भाई तू, इसलिए सिविल की तारीफ कर रहा है, मुझे पता था करेगा सामने एकदम सिविल। देखते हैं, चलो चल के देखते हैं कैसा है। प्लेसमेंट भी यहीं पे लग जाता है काम, हॉस्टल को बनाने में प्लेसमेंट भी यहीं पे मिल जाता है, हॉस्टल्स वगैरह नए हॉस्टल्स जो बनते हैं उनको बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पे जाने लगेंगे कुछ दिनों बाद। और इधर ये काम भी कर रहा है, काफ़ी अंधेरा है, स्ट्रीट लाइट कम है यहाँ पे, फिर भी ठीक है, अच्छा सा व्यू लगता है थोड़ा, कभी कभी डार्क साइड भी बहुत अच्छी लगती हैं। ये है अपनी CS बिल्डिंग जो कि ओनली CS डिपार्टमेंट वालों के लिए, बड़े लोग हैं वो उनकी, इसलिए काफ़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग बनाई गई है। और मेन एंट्री गेट जहाँ से एंट्री लेते हैं, 2 हैं शायद एंट्री गेट, एक वहाँ पे भी है पीछे से मैंने देखा है, तो 2 हैं। और अभी अपन लेक्चर हॉल चल रहे हैं, इसका टूर करेंगे कई मेन एकेडमिक बिल्डिंग जहाँ पर मेनली सभी क्लासेस होती हैं, ट्यूटोरियल वगैरह यहीं पर होते हैं, तो अभी इसी का टूर करने वाले हैं। तो कि रात में ऐसी दिखती है, काफ़ी पेड़ पौधे लगाए गए हैं, अभी थोड़ा इलेक्शन स्टार्ट हैं तो कुछ इलेक्शंस वगैरह के वो लगाए गए हैं पोस्टर्स वगैरह, और इस बंदी का सिर नहीं है, कपड़े पूरे पहना है, और ये इमरजेंसी फायर एग्जिट है, और अभी एंट्री लेते हैं अपन। तो एंट्री लेते ही मेनली 3 फ्लोर हैं, बट एक और है ऊपर चौथा भी, जो कि हम लोग कभी गए नहीं तो पता नहीं, क्योंकि 3 फ्लोर तक ही सब कुछ ख़त्म हो जाता है लेक्चर हॉल्स वगैरह। लेक्चर हॉल काफ़ी है, मतलब मेरे हिसाब से 10-12 हैं, बट
अभी मैं आप लोगों को कम ही दिखा पाऊँगा, जो मेन दो लेक्चर हॉल हैं वो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि वो उधर साइड का लॉक लगा पड़ा होता है, और यहाँ पर नोटिसंस भी रहते हैं कौन सा लेक्चर हॉल है, कौन सा फ्लोर है, सब कुछ, और कुछ पोस्टर्स वगैरह लगे हुए हैं रात में और इधर भी। एंड ये पूरा एकेडमिक का व्यू है जो कि ऐसा दिखता है, तो चलो चलते हैं फिर कैसा दिखता है अंदर से देखते हैं। LH करके कुछ वो हैं लेक्चर हॉल्स, तो एक इधर पे LH 101 और एक इधर पे LH 102, तो और यहाँ पर वही लिखा है क्लास ऑफ 93 ने बनवाया था शायद, और ये एलुमनाई वगैरह की कुछ रीयूनियन वगैरह हुआ था तो उसकी पिक्स वगैरह लगी हुई हैं, और ये फोर्थ फ्लोर तक जाता है एकेडमिक बिल्डिंग है बोली। अगर अपना सीरो कैफ़े, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जूस और चाय कॉफ़ी वगैरह मिलती है, अभी क्लोज है बट सुबह 9 AM पे खुल जाता है और अराउंड 6 PM तक चलता है, और चल के लेक्चर हॉल देखते हैं कैसा दिखता है अंदर से, यदि खुला होगा कोई तो, अभी मुझको पता नहीं कोई खुला है कि नहीं क्योंकि रात में सब बंद कर देते हैं। हाँ मिड सेम के टाइम वहाँ चालू रहते हैं, यदि आपने कहीं रात की वीडियो देखी होंगी तो, चलते हैं कोई खुला होगा तो एक बार ट्राई करके देख खुला है कि नहीं। नहीं 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 खुला है, ये बंद है। और यहाँ पर एक चीज़ रहती है लेक्चर हॉल्स में, मतलब फूड्स वगैरह अलाउ नहीं रहते, अंदर खा नहीं सकते हैं, डक्ट है जो कि काफ़ी खूबसूरत। हाँ ये नोटेशंस वगैरह दिए होते हैं, मतलब जिसको पता नहीं है न्यू आया है, जैसे हम लोग भी आए थे तब हम लोगों को भी बहुत कुछ पता नहीं था, तो कोई बात नहीं वो तो होता है, बट अभी तो हम लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अभी पता नहीं रहता है, तो अभी अपन लिफ्ट से चलते हैं सेकंड फ्लोर, देखते हैं वहाँ पर क्या है। फ्लोर और खुले हुए हैं इधर ऊपर तो लेक्चर हॉल्स खुले हैं, तो ये है इसका नाम है LC202, और इधर भी खाना वगैरह अलाउ नहीं है, और ये अपना लेक्चर हॉल का व्यू जो कि बहुत शॉर्ट्स वीडियो में देखा होगा, मैंने खुद भी डाली थी एक दो, और इधर पे मेनली दो LED रहती हैं और एक प्रोफेसर वगैरह के लिए इधर लगी होती है, और वहाँ एक घड़ी लगी हुई है LED घड़ी, और क्या है ये प्रोफेसर वगैरह की टेबल कुर्सी है, इधर एक छोटा सा माइक रखा रहता है, केबल वगैरह कुछ कनेक्ट वगैरह करने के लिए लैपटॉप वगैरह, और हाँ सबसे मेन कलरफुल चौक होती है हमारे इधर, जैसे ये है नहीं ये है, और इसमें तो शायद वाइट ही होगी लेकिन कलरफुल रहती है, मैंने देखा है क्या बताएंगे तो ये दिखाएगा कैसे लिखते हैं अपन लिखना नहीं आता अभी, केवल पढ़ना आता है, तो ये लिख के दिखाएगा, और इसने मेरा प्यारा सा एक छोटा सा नाम लिख दिया बस। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है, लेकिन इस मतलब लेक्चर हॉल में नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है, बट होती है फिंगरप्रिंट्स अटेंडेंस लगती है, लेकिन इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं। और इधर पीछे जो है ना ग्लास लगे हुए हैं तो बाहर का व्यू भी दिखता है, देखते हैं अभी तो रात है, बाहर थोड़ा कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, तो अभी मिरर नहीं है, ग्लास ही है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है अच्छे से, देखोगे तो पेड़ पौधे दिख रहे होंगे, थोड़ा सा उसका इमेज जा रहा है पीछे, और क्या बस इतना ही, ये फैंस भी लगे हुए हैं, AC भी है दोनों हैं, और ये भी इमरजेंसी के लिए एग्जिट है, खुलता तो होगा नहीं कभी क्योंकि खोला नहीं मैंने कभी, और अराउंड 4 बंदे आ जाते हैं एक टेबल पे। एग्ज़ाम ज़्यादा हुए हैं हमारे इसमें क्लास नहीं होती, हमारा जहाँ क्लास होती है वो दूसरा है, और ये हमारा प्यारा सा दोस्त किसी की बोतल भी यहाँ पर छूट चुकी है, दोस्त ने चौक उठा ली है कुछ, पूरे डब्बा है पूरा डब्बा, और ये नीचे का भी ऐसा दिखता है, उधर से हम लोग एंट्री लेते हैं सामने से जस्ट, और जिसको फर्स्ट फ्लोर बस के लिए स्टेयर्स लगी हुई हैं, बाकी यहाँ लगी हुई हैं स्टेयर्स, वो कोने से उधर से आती हैं देख सकते हैं, लेकिन मेनली फर्स्ट फ्लोर बस के लिए स्पेशल स्टेयर लगाई हुई हैं, ताकि फर्स्ट फ्लोर से क्या होता है कि अपन डायरेक्ट सीरो कैफे पहुँच सकते हैं, जहाँ मैंने बोला था अभी जूस वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट है, और हाँ वो फायर जब आग वगैरह लग जाएगी ना तो इसके लिए है, मुझे नहीं लगता इसमें आग, चाय वगैरह भी बनाई हुई है, इडली रखी हुई है, इधर भी रखा हुआ है कुछ बर्तन, और ये हिंदूस
यहाँ पे कुछ के टाइम पे डीए जो आते हैं ना उनके लंच के लिए या नहीं, नहीं, के लिए होता है। किसी स्टूडेंट्स ने हो सकता मंगाया स्विगी जोमेटो वगैरह से। हाँ हाँ हो सकता है। हाँ ए वाली चाय तो डीए वगैरह प्रोफेसर वगैरह के लिए होती है, बट ए स्टूडेंट ने ऑर्डर किया होगा शायद, यहीं पे खा के यहीं पे छोड़ गए। और मोदी जी का स्वच्छता अभियान यहीं पे ख़त्म हो गया। यहाँ पर वाटर कूलर वगैरह हैं क्योंकि ठंडा गर्म पानी जैसा भी आता होगा आता तो है। और इधर कुछ शायद प्लांट वगैरह लगाने के लिए जगह छोड़ी थी, बट मैं जब से देख रहा हूँ मेरे को 2 साल होने वाले हैं, अभी तक कुछ भी नहीं लगा हुआ है इनमें। और ये सब भी दिखता है। अगेन फिर से 2 लेक्चर हॉल हैं, एक वहाँ पर है एक यहाँ पर है और इधर ही नीचे का है। और ऊपर काफ़ी ऊंचा है, मैंने बोला था ना 4th फ्लोर तक चला जाता है, बट 3 ही फ्लोर दिखाए जाते हैं लेकिन 4th फ्लोर है इसमें, मुझे पता है। लेकिन लिफ्ट में 3 ही फ्लोर दिखाए जाते हैं, तो अपन उससे क्या लेना देना है। साफ़ सफाई का थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है, काफ़ी अच्छा क्लीन है। भाई वो इमरजेंसी कॉलर मत करे यार डायल।